नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 22 दिसंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की निकाली गई प्रभात फेरी। कल पटना में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 353वें प्रकाश पर्व पर लंबी चौड़ी प्रभात फेरी निकाली गई थी। इस प्रकाश पर्व के अवसर पर निकाली गई प्रभात फेरी तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा से होते हुए पंच तक निकाली गई। वहीं पंच से होते हुए यह प्रभात फेरी श्री साहिब से निकलकर गुरु गोविंद पथ के रास्ते मंगल तालाब दीरा पर होते हुए बाल लीला गुरुद्वारा पहुंची, जहां पहुंचकर पहले लोगों ने अरदास किया, फिर लंगर में शामिल होकर गुरुद्वारे में आए श्रद्धालुओं की सेवा की। मुस्लिम संस्थाओं ने कैब और एनआरसी को लेकर सरकार को सौंपा मेमोरेंडम। देश भर में जारी कैब और एनआरसी के विरोध का मुद्दा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी क्रम में बिहार के मुस्लिम संस्थाओं ने एनआरसी और कैब के संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 7 मांगों का मेमोरेंडम सौंपा है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार पर दबाव बनाने ताकि केंद्र सरकार इस बिल को वापस ले ले, और साथ ही गृह मंत्री द्वारा एनआरसी मुद्दे पर दिए गए बयान पर पुनर्विचार करने जैसे कई मुद्दे शामिल है। सहायक प्राध्यापक के लिए जल्द होगी बहाली। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक पद पर कार्यरत होने की इच्छा रखने वालों के लिए खुशखबरी। जल्द ही सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों के लिए लगभग 3000 पदों पर बहाली की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया अगले साल मार्च महीने से हो जाएगी। खबरों की माने तो पहले चरण में 3000 पदों पर बहाली के लिए जल्द ही विभाग बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को पत्र जारी कर देगा। राज्य में एक बार फिर भवन निर्माण कार्यों पर लग सकता है ब्रेक। भवन निर्माण करवा रहे सभी लोगों के लिए अहम सूचना। अगर आप अपना घर या ऑफिस बनवा रहे हैं तो बालू का स्टॉक अभी से ही रख ले, वरना आपके निर्माण कार्य में बाधा आ सकती है। दरअसल खनन कार्य इस समय में सही से नहीं हो पा रहा है और न ही अभी तक बालू घाटों की नई बंदोबस्ती हो पाई है, जिसके कारण पुराने बंदोबस्ती के आधार पर 31 दिसंबर के बाद से खनन का काम ठप हो जाएगा, जिसका सीधा असर निर्माण कार्य पर पड़ने वाला है। बिहार का सबसे पुराना चर्च है पटना में। बिहार का सबसे पुराना चर्च कहीं और नहीं, बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। इस चर्च की उम्र सीमा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस चर्च में पिछले 390 सालों से हर क्रिसमस के अवसर पर मेरी क्रिसमस की गूंज सुनाई देती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पटना सिटी के इस ऐतिहासिक स्थल पर यह चर्च साल 1628 में स्थापित किया गया था। उस समय में बिहार में मुगलों का शासन हुआ करता था। सीबीएसई के 12वीं के छात्रों का एडमिट कार्ड जारी होगा फरवरी में। सीबीएसई के सभी 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए अहम सूचना। सीबीएसई ने एडमिट कार्ड से संबंधित निर्देश जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि 12वीं की परीक्षा देने वाले सभी छात्रों का एडमिट कार्ड फरवरी महीने के शुरुआती सप्ताह में ही जारी कर दिया जाएगा, जो कि छात्र सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ परीक्षा से जुड़ी तमाम जानकारी भी वहां से ले सकते हैं। बिहार बंद के दौरान जाम में फंसे पप्पू यादव। नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ कल बिहार में राजद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद का ऐलान किया था, जिससे कि दिन भर यातायात सेवा सबसे ज्यादा प्रभावित रही। लोग द्वारा जगह जगह पर रास्तों को बंद किए जाने की वजह से आम जनता को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और इसी जाम में घिरे दिखे जा प्रमुख पप्पू यादव। पूर्णिया जा रहे पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में यह कहा कि बिहार बंद या किसी भी तरीके के विरोध में यातायात सेवा को बंद नहीं किया जाना चाहिए। 24 दिसंबर को फिर से हो सकती है बारिश। कश्मीर में जारी असामान्य बर्फबारी के कारण मौसम में कनकनी का असर बढ़ता ही जा रहा है, जो कि आगे और भी ज्यादा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 22 दिसंबर से बादलों का आना जाना शुरू हो जाएगा। वहीं 24 दिसंबर को पटना समेत कई जिलों में बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि आने वाले 2-3 दिनों तक पटना में रात के समय में तापमान कम ही रहने की संभावना जताई जा रही है। साल 2020 तक बिहार के हर गांव को जोड़ दिया जाएगा पक्की सड़क से। उक्त बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। उन्होंने सड़क के निर्माण से संबंधित वार्ता के दौरान कहा कि बिहार सरकार अगले साल अगस्त महीने तक हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि गांव के हर घर तक पक्की गली और नालियों के निर्माण का काम जारी है। बस सड़क निर्माण के साथ साथ सड़कों और पुलों के रखरखाव और उनकी मरम्मत का काम भी साथ साथ होते रहना अनिवार्य है। कैब और एनआरसी के विरोध में सड़कों पर भैंस लेकर उतरे राजद के कार्यकर्ता। कैब और एनआरसी के मुद्दे पर राजद ने शनिवार को बिहार बंद का ऐलान किया था, जिसके एवज में जगह जगह पर राजद के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया था। सबसे अनोखा मंजर तो हाजीपुर मुजफ्फरपुर एनएच 22 के पास देखने को मिला, जहां पर राजद के कार्यकर्ता खुद तो विरोध करने उतरे ही साथ में भैंसों की टोली को भी अपने इस मुहिम का हिस्सा बना लिया। इतना ही नहीं, सभी कार्यकर्ताओं ने तो विरोध में शामिल हुई भैंसों पर पोस्टर लगा दिया था, जिसमें लिखा था, मैं भी एक भारतीय हूँ। बिहार बंद में राजद का साथ देने उतरी सन ऑफ मल्हा की पार्टी।
21 दिसंबर को राजद द्वारा बुलाए गए भारत बंद में एक ओर जहां पूरे महागठबंधन दल ने एकजुटता दिखाने का ऐलान किया था, वहीं दूसरी ओर रालोसपा वीआईपी और सन ऑफ मलहा की पार्टी ही सड़कों पर राजद का समर्थन करने उतरी थी। महागठबंधन में एकता का दावा करने वाली हम राजद के इस मुहिम का हिस्सा बनते नहीं दिखाई दी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, शनिवार को राजद ने कैब और एनआरसी के विरोध में बिहार बंद का आह्वान किया था। अब आइए जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण सिंह की। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्हें लोग श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से भी जानते थे। श्री कृष्ण सिंह ने अपने कार्यकाल में बिहार के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। उनमें से एक है दलितों को देवघर में वैद्यनाथ धाम टेम्पल में प्रवेश करने की अनुमति दिलवाना और बिहार की धरती से जमींदारी का प्रावधान हटवाना। पटना में बंद समर्थकों ने रोक दी थी जज की गाड़ी। राजद द्वारा बुलाए गए बिहार बंद में इनकम टैक्स भवन के पास राजद के कार्यकर्ता किसी भी वाहन को आगे जाने नहीं दे रहे थे और ऐसा ही कुछ उसने पटना के हाईकोर्ट के जज के साथ भी किया। मगर कुछ ही देर बाद जैसे ही जज ने राजद कार्यकर्ताओं को बताया कि यह गाड़ी हाईकोर्ट की है, वैसे ही सभी कार्यकर्ता ने रास्ता खाली करवाया और उनकी गाड़ी को आगे जाने दिया। बिहार बंद पर बोले उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध जारी है। ऐसा ही कुछ आज बिहार में भी देखने को मिला, जहां राजनीतिक दल ही इस विधेयक के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। राजद ने तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में बिहार में बंद का ऐलान किया था, जिसके लिए ही उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को मायावती की तरह यह आश्वासन देना चाहिए कि बिहार बंद के दौरान अगर कोई भी अप्रिय वाक्य हुई तो वो इसे खुद को अलग कर लेंगे। बांका जिले में भगवान मधुसूदन की रथ यात्रा के दौरान देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। भगवान मधुसूदन की रथ यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली जाती है और इसमें 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदार क्षेत्र में 500 साल से रथ यात्रा का इतिहास रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने इस रथ यात्रा को यहाँ पर आरम्भ कराया था, जो आज भी अनवरत जारी है। आदिवासी संस्कृति, हस्तशिल्प, हथकरघा के लिए भी इस जिले का उल्लेख होता है। ढेरों पर्यटक स्थल इस क्षेत्र की शोभा बढ़ाने के साथ साथ यहाँ की संस्कृति सैलानियों के दिलों को रोमांच से भर देती है। पप्पू यादव ने भाजपा के खिलाफ कसा तंज। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव नागरिकता संशोधन अधिनियम के सख्त खिलाफ रहे हैं और इसका विरोध भी हर मोर्चे पर करते रहे हैं। अब हाल ही में पप्पू यादव ने एक बार फिर से कुछ ऐसा ही किया है। पप्पू यादव ने पटना स्थित मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलकर बातचीत की है, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसने का सिलसिला जारी रखा है और कहा है कि भाजपा को जड़ से हटाने के लिए हमें सत्याग्रह जैसा कुछ करना होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल की हुई घोषणा। झारखंड विधानसभा चुनाव के सभी 81 सीटों के लिए हुए पांचों चरणों के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अंतिम परिणाम की घोषणा भी कल यानी कि 23 दिसंबर को कर दी जाएगी। परिणाम से पहले इस चुनाव के एग्जिट पोल की तरफ अगर हम ध्यान दें तो एबीपी न्यूज आज तक आईएएनएस द्वारा जारी किए गए पोल के अनुसार जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बढ़त मिलेगी, तो वहीं भाजपा को महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव की तरह ही नुकसान पड़ सकता है। बिहार बंद के नाम पर राजद करता रहा अपनी मनमानी। कैब और एनआरसी के मुद्दे पर राजद पार्टी द्वारा शनिवार को बुलाए गए बिहार बंद का अलग ही नजारा देखने को मिला। बिहार बंद के नाम पर राजद कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर यातायात सेवा को ठप कर दिया, जिससे कि आम जनता को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि बिहार बंद के नाम पर राजद कार्यकर्ता ने पटना में स्कूली बसों को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। बंद के नाम पर पटना, हाजीपुर, नालंदा, दरभंगा, बेगूसराय, छपरा में राजद कार्यकर्ताओं ने जमकर अपनी मनमानी की और यातायात सेवा को ठप कर दिया। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के नेतृत्व पर कसा तंज। मशहूर राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व पर तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की सरकार पर तंज कसते हुए यह कहा है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज एनआरसी और कैब के मुद्दे को लेकर सड़क पर नहीं है और न ही आम नागरिकों द्वारा उठाई जा रही आवाज में उनका साथ दे रहा है। कम से कम कांग्रेस इस समय सभी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जुड़ने की अपील कर सकता है, जो एनआरसी लागू होने के खिलाफ है, वरना सिर्फ बयानबाजियों का कोई अर्थ नहीं है। समर्थकों का साथ देने सड़क पर उतरे तेजस्वी यादव। राजद द्वारा शनिवार को बिहार बंद का आह्वान करने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सड़क पर उतर आए थे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने तो अपने समर्थकों के साथ पैदल यात्रा करते हुए पटना के डाक बंगला तक पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से बिहार बंद को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाने की अपील की। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 21 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,164 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,747 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 48,200 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 79.36 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 71.26 रुपए प्रति लीटर था।
अब आइए बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। पछुआ हवा के कारण ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही पछुआ हवा के कारण मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा तो कहीं कहीं बादलों का आना जाना भी लगा रहेगा। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा मगर कई जगहों पर बादल भी छाएंगे तो कुछ जगहों पर हल्की धूप निकलने की भी संभावना है। रालोसपा नेता ने भाजपा पर कसा तंज। रालोसपा नेता माधव आनंद ने भाजपा सरकार पर तंज कसा है। माधव आनंद ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए यह कहा है कि हम लोग यहां लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं। सीएए और एनआरसी लागू होने पर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदुओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मुसलमानों के साथ साथ ऐसे बहुत सारे हिंदू हैं जिनके पास नागरिकता साबित करने के कोई कागजात मौजूद नहीं है। इसीलिए राज्य द्वारा बुलाए गए बिहार बंद में हम सभी एक साथ हैं। भारत वेस्टइंडीज के बीच आज कटक में होगा आखिरी और निर्णायक वनडे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज उड़ीसा के कटक में 3 मैचों के वनडे सीरीज का आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा। सीरीज में दोनों ही टीमों के 1-1 की बराबरी पर होने के कारण आज का मैच काफी रोमांचक होने की उम्मीद है क्योंकि दोनों ही टीमें आज जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करना चाहेंगी। आपको बता दें इस सीरीज का पहला मैच वेस्टइंडीज ने 8 विकेट से जीता था जबकि वहीं दूसरा मैच भारत ने 107 रनों से जीता था। प्याज के झुमकों में नजर आई करीना कपूर खान। देश भर में प्याज की बढ़ती कीमतों का असर हर किसी की रसोई घर में पड़ रहा है। प्याज के बढ़ते दाम को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब मीम्स बनाए गए हैं। अब इस मुहिम में बॉलीवुड इंडस्ट्री भी शामिल हो गई है। हाल ही में ट्विंकल खन्ना ने प्याज वाले झुमके के साथ में अपनी एक तस्वीर शेयर की थी। इसी क्रम में अब करीना कपूर खान ने भी प्याज के इयररिंग वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। आपको बता दें करीना की यह तस्वीर द कपिल शर्मा के सेट पर ली गई है जहां करीना अपने फिल्म द गुड न्यूज को प्रमोट करने पहुंची थी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले आखिरी वनडे मैच में आखिर किसकी जीत होगी और क्यों होगी? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।